बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत के साथ हों, आमीन। यहाँ जो है आज बनाएंगे जूसर में टी टाइम का केक। तो आज बनेगा बहुत यमी सा केक, तो रेसिपी को जो है बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि एक एक जो इसका जो कहेंगे कि पार्ट है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चार अंडों का यहाँ पर जो है वो बनेगा केक, और आप देखिएगा कि आज का केक जो है वो डिफरेंट क्यों है। तो यहाँ जो है चार अंडों को मैं इसी तरीके से प्याली में डाल के ब्रेक करके डालती हूँ, क्योंकि जब अंडा ख़राब आ जाता है तो ऐसा कुछ पता नहीं होता कि कौन सा अंडा जो है वो ख़राब निकल जाए और हमारा सारा मिक्सचर ख़राब हो जाए। तो बेहतर यही है कि आप जो है प्याली के अंदर ही जब भी केक बनाएं तो प्याली के अंदर तोड़ के फिर डालें आप जूसर में। यहाँ अच्छे से जो है ना अंडों को ब्लेंड करना है, ब्लेंडर में चला लेना है। तो जब जूसर हो जाएं अंडे तो उसके बाद चीनी डालनी है। दो सेक्शन में डालिएगा आप चीनी, ताकि नीचे जाके वो बॉटम में बैठ ना जाए। तो आपने इसी तरीके से करना है। चार अंडों का ये बनेगा केक, दो कप मैदे का और एक कप इसमें जाएगी चीनी। और जिस कप से आप चीनी लेंगे ना आपके, उसी कप से जो है इसी के अंदर जाएगा ऑयल। तो ये देखिए मैंने उसी कप से जो है वो डाल दिया इसमें ऑयल, और ऑयल को भी अच्छी तरीके से ब्लेंडर कर लेंगे। ऑयल, चीनी, अंडे, इन तीन को जो है बहुत अच्छे तरीके से आपने जूसर के अंदर ब्लेंडर में चलाना है, और यहाँ जाएगा आधा कप के करीब दूध। अगर आपके पास पाउडर में हो तो वो ज़्यादा बेहतर है, वेल एंड गुड, क्योंकि वो जो होता है फिर उसका टेक्सचर जो होता है ख़राब नहीं करता केक का। ये थोड़ा सा रिस्की हो जाता है लिक्विड वाला। यहाँ जो है ड्राई इन्ग्रीडियंट में जाएंगे। वन पिंच जो मैंने डाला था नमक डाल दिया था, वो आपको दिखाया नहीं है, और एक टीस्पून के बराबर डाला है बेकिंग सोडा जाएगा, और वन टेबलस्पून भर के जाएगा बेकिंग पाउडर। ठीक है, वन टीस्पून जाएगा बेकिंग सोडा, वन टेबलस्पून जाएगा बेकिंग पाउडर। चार अंडों का ये केक बन रहा है, दो कप मैदे में एक, अच्छा इसके अंदर जो यशा ने अभी दिखाया था एक टेबलस्पून कॉफ़ी लिया है हमने, और दो जो है टेबलस्पून ही भर के लेंगे हम कोको पाउडर। तो ये तीन सेक्शन के अंदर हम डिवाइड कर लेंगे मिक्सचर को। तो आप देखिएगा बड़ा मज़े का ये केक बनने वाला है। और दूध जो है इतना ही डालना है कि आपने जितना इसके अंदर ये मतलब बैटर सा तैयार हो जाए इसका गाढ़ा सा ना, क्योंकि ये ऑलरेडी जो है मिक्सचर के अंदर जाएगा, तो इतना आपने लिक्विडी नहीं बनाना है इसको, तो ये आपका फिर जो केक है वो राइज नहीं होगा, बैठ जाएगा उसमें, मॉइस्ट आ जाएगा। तो बस दूध हमने उतना ही लेना था जब हमने शुरू में लिया था, और यहाँ जो है ग्रेजुअली हम लोग मैदा ऐड कर लेंगे। तो आप लोग जो है विस्टर से भी बना सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हाथ दुख जाते हैं। तो आपने जो है जूसर आपके घर पे अगर साफ़ सुथरा मौजूद है तो आप परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप केक इजीली जो है जूसर के अंदर इसी मेथड से बनाएं, और जो है प्री हीट भगोना कर लें, आप देगचा कर लें कोई, उसके अंदर आप ये बेक आराम से कर सकते हैं। यहाँ जो है वनीला एसेंस चला जाएगा दो कैप भर के, मैंने इसी का जो वनीला एसेंस का कैप होता है ना, आपने कुछ भी नहीं लेना, बस उसी कैप को भर के आपने दो कैप डाल देना है। यहाँ पे जो है मैं आधे बैटर को जो है दो हिस्सों में पार्ट में डिवाइड कर लूँगी, और आधा बैटर जो है वो यानी कि आधा मिक्सचर जो है वो मैं वनीला का रख दूँगी। ज़्यादा जो है मुझे प्लेन रखना है, और फ्लेवर वाले जो है मैंने हाफ एंड हाफ ले लिए थे। यहाँ जो है एक में कॉफ़ी मिक्स हो जाएगी और एक के अंदर कोको पाउडर मिक्स कर लेंगे। तो एक बैटर हमारा बनेगा चॉकलेट वाला और एक बनेगा कॉफ़ी वाला। ठीक है, हो गया भाई ये। अब आपने अच्छे से जो है आगे की रेसिपी को समझना है। तो अब क्या करना है, इसकी हमने जो है लेयर लगाएंगे अच्छी तरीके से। जो है पहले पैन को ग्रीस कर लिएगा, और उसके अंदर बटर पेपर को भी ग्रीस करके जो है लगा दीजिएगा उसकी सारी वॉल पे, जो है ऑयल अच्छी तरह से या फिर घी जो है जो भी आपको बेहतर लगे आप लगा दें, उसको ग्रीस कर लें अपने मोल्ड को। और यहाँ जो है मैं कॉफ़ी वाला मिक्सचर रेडी कर रही थी जल्दी जल्दी। कॉफ़ी का जो टेक्स्चर होता है वो देखें कितना वेलवेटी सा होता है, तो बहुत ही मज़े के ये तीन हमारे जो है मिक्सचर तैयार हो गए थे। ये हमारा आ गया मोल्ड, इसके अंदर मैंने बटर पेपर बिछा के जो है ग्रीस कर लिया था, और आपने जो है अब पहले बेस के अंदर डालना है चॉकलेट पाउडर वाला मिक्सचर।
उसको जो है अच्छे तरीके से सारे मिक्सचर को निकाल के उसके बबल्स निकालने हैं। और इसके बाद जो है चला जाएगा हमारा वनीला वाला प्लेन जो हमारा मिक्सचर है उसको डाल देंगे। तो देखें आप, ये रिबन की तरह जो है गिर रहा है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट बैटर तैयार होता है आपका। तो यहाँ जो है पूरा मैं कवर्ड कर दूँगी चॉकलेट को इससे। उसके बाद जो है सबसे ऊपर टॉपिंग पे जाएगा कॉफ़ी वाला मिक्सचर। इसके तीनों के कलर जो लेयर लगती है इतने ज़बरदस्त आते हैं और ये देखने में भी इतना टैम्पटिंग लगता है ना, तो आप जब ये बैक होगा तो आप देखिएगा कि इसके तीनों जो कलर आएंगे, इतने मज़े का केक बनता है। उसी वक्त ही हमने ये खाया था, लेकिन ये दूसरे दिन और भी मज़े का लगा था। यहाँ जो है मैं इस बैटर को सारे उसमें स्प्रेड कर दूँगी जो हमारा मोल्ड है, और ये तीनों लेयर्स लग चुकी हैं। मैंने इसके बबल्स भी निकाल दिए हैं, और हमारा जो है भगोना काफ़ी हद तक जो है वो प्रीहीट हो चुका था। मैंने काफ़ी टाइम पहले ही, यानी कि 15-20 मिनट पहले ही इसको जो है वो हीट पे रख दिया था, ताकि ये कि ये बहुत अच्छी तरीके से इसको गर्माई मिल जाए चारों तरफ से। और इस तरीके से कपड़ा ज़रूर रखा करें, इसकी स्टीम बाहर नहीं जाती है केक की। तो उससे क्या होता है कि ऊपर से भी इसको जो है फुल टेम्परेचर मिल रहा होता है, और ये बहुत अच्छा सा ऊपर से सिक के तैयार हो जाता है। ये देखें, ये बॉल की शक्ल की तरह से ये बन जाता है, बीच में से ये उठ जाता है। तो सबसे अच्छी पहचान यही होती है आपके केक की, कि ये जो है इस तरीके से जब राइज हो जाता है तो समझें आपका केक जो है वो बहुत अच्छा सा अंदर से कुक हो गया है। और इसके अलावा भी अक्सर इस तरीके की जो कंडीशन पे आ जाता है केक, तो अंदर से बीच में से 2 कप मैदे वाला जो है ज़रूर चेक कर लिया करें। तो यहाँ जो है मैंने भी नाइफ़ की मदद से चेक कर लिया था, मेरे पास स्टिक नहीं थी, तो ये अंदर तक पक चुका था। और ये देखें, इनकी तीन कलर्स की लेयर्स इतनी ज़बरदस्त आई है। और सबसे नीचे जो है वो डार्कर शेड है, उसके ऊपर जो है उससे लाइट शेड है, और फिर सबसे ऊपर सबसे लाइट शेड था, जो कि सीखने के बाद थोड़ा सा लग रहा होगा आपको कि डार्क हो गया, लेकिन ये कॉफ़ी वाला ही जो है सबसे ऊपर बैटर जो बिछाया था ये उसी का ही लुक है। तो ये सिका नहीं था, तो इसलिए थोड़ा सा और मैंने इसको टाइम दिया तो ये थोड़ा सा डार्क हो गया था। बाकी ये कि मज़े का बना था, और दूसरे दिन तो और भी बहुत ही टेस्टी बना था। बिल्कुल बाहर की तरह से, जैसे बेक टाइम के आते हैं ना केक बाहर से हम लेते हैं, ये वैसा ही बना था। और टेस्ट में भी इतना ही मज़े का, यमी सॉफ्ट सा, बिल्कुल ऐसा नहीं था कि गले में अटक रहा हो। तो आप ज़रूर इस तरीके से बनाइएगा इस रेसिपी से, और दूध भी डालिएगा, और दूध उतना ही डालिएगा जितना मैंने आपको बताया है। सारी चीज़ों को उसी तरह से डाल के उसी मेथड से बनाएंगे तो ये इतने मज़े का केक तैयार होगा। चाहे तो आप इसको मेहमानों के आगे भी रख सकते हैं, नाश्ते में भी खा सकते हैं, टी टाइम पे भी। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह से बहुत अच्छा सा सालन आया है सबीन के यहाँ से, मंगूचियों का सालन है। मैं भी चाह रही थी काफ़ी टाइम से कि आपको दूँगी ये रेसिपी, तो बच्चे नहीं खाते ना इस तरीके का खाना, तो मुझे यही हो रहा था कि यार मैं कैसे बनाऊँ। फिर मुझे बहुत पसंद है, और हमारे यहाँ की ये बहुत ट्रेडिशनल डिश है, हम लोग जो हिंदुस्तानी हैं, तो मेरी सास मेरी दादी लोग जो हैं वो बहुत स्पेशली यानी कि इसकी तैयारी करके बनाते थे सिल पे पीस के इसको, और बहुत ही यमी सा सालन बनता है ये। बस बच्चों की ज़बान पे पता नहीं टेस्ट बड चेंज हो गए हैं आजकल के, खाते नहीं हैं, क्या चक्कर है। तो बस ये आ गया था, मेरे तो ऐश हो गए थे। और हमारे यहाँ पे क्या होता था कि दोपहर में ये रोटी से खाया जाता था, और शाम में जो है वाइट राइस बना लिया करती थी अम्मी, तो हम लोगों को ये इतने मज़े का सालन लगता था। इंशाल्लाह मैं बनाऊँगी, थोड़ा सा बनाऊँगी, आप लोगों को रेसिपी इसकी दूँगी। फिलहाल तो ये मेरी फ्रेंड के घर से आया है और ये मैं करूँगी इंजॉय। तो और ये ले लिए थे मैंने स्वीट्स पोटैटो, आज बॉइल करके देंगे बच्चों को। तो चिकन तंदियाँ चल रही हैं, आप लोग किस तरीके से खाते हैं मुझे बताइएगा। हम लोग बॉइल करके ही खा लेते हैं, और सिकी हुई जो होती है वो मैं बाहर से ले लेती हूँ, जो वो सिगड़ी पे सेक रहे होते हैं ना पैकेट ठेले वाले, तो अक्सर मैं वहाँ से ले आती हूँ। तो बस, और यहाँ जो है हो गई है अगेन तैयारी शुरू पकाने की। तो मैंने कुछ वेजिटेबल्स मंगवा ली थी, क्योंकि ये जो होती हैं घर में इस तरीके की वेजिटेबल्स, जो कि मैं कह रही थी कि गाजर गोभी मटर आलू इस तरीके की सब्ज़ी बिल्कुल भी आप जो है लिए बगैर नहीं रह सकते। नीचे जो एक भाई आए थे, मैंने उनसे ये नए आलू परचेस कर लिए थे और मटर ले लिए थे, तो ये होते हैं तो कुछ ना कुछ बन ही जाता है घर में। और यहाँ मेडिसन ले आए थे मेरे बेटे, क्योंकि यशा के जो है थोड़ी प्रॉब्लम चली थी गले में भी, और उनको बुखार भी था। रबीब के भी ऑलमोस्ट जो है वो गले में तकलीफ़ हो गई थी, तो दोनों को जो है मैंने मेडिसिन मंगवा दी थी। और ये कुछ सामान और चाहिए था मुझे, तो ये बेटे से मंगवा लिया था, और टमाटर नहीं थे ठेले वाले के पास, जो भाई आए थे तो मैंने टमाटर भी मंगवा लिए थे। यहाँ जो है मैं यूजुअली सिरका लगा के इसको वॉश कर लूँगी, और जो है देखें इसका सारा ब्लड निकल जाता है, और फिर इसको धो के रख दूँगी। मेडिसिन अपनी जगह है, लेकिन मैंने सोचा कि रबीब को जो है खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो मैंने अपनी अम्मी का जो है टोटका आज आजमाया, और आज ही नहीं मैं अमूमन इसको करती हूँ,
जब मुझे भी जो है खांसी इस तरीके की होती है नज़ले के साथ, जो कि सीना दुख रहा होता है ना वो वाली खांसी, यहाँ जो है अच्छे से आपने जो है ग्रेट करने के बाद जो भी अदरक निकले इसकी, एक टुकड़ा आपको अदरक का मैंने आपको दिखा दिया था शायद या नहीं दिखाया, तो आप देख लें मेरे हाथ में जितना भी इसका जो चूरा आया है उसको निचोड़ लेना है अच्छी तरीके से, और इस अदरक को भी इसी के अंदर शामिल कर देना है। 5-6 ड्रॉप निकल ही आएंगे तो वो काफ़ी हैं, और 2 टेबलस्पून या टीस्पून आपके पास जो भी शहद हो, देसी हो कोई सा भी हो, तो आपने जो है इस तरीके से शहद को लेके इसमें मिला देना है, और मिलाने के बाद जो है इसको मिक्स कर लिएगा। थोड़ी सी अदरक की तेज़ी आएगी लेकिन वो फ़ायदा करेगी। अब जो है आपने टेस्ट टू अकॉर्डिंग इसके अंदर डाल देना है काला नमक, चाहे तो आप स्किप भी कर सकते हैं, जो हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट हो वो स्किप कर सकते हैं। तो ये खांसी का बहुत ही बेहतरीन नुस्खा है कि कितनी भी पुरानी कैसी भी चेस्ट वाली खांसी होती है, जो सीना जकड़ा हुआ होता है, ये बहुत फ़ायदेमंद होती है। और ये 3 टाइम जो है बच्चे को आप दे दें इस तरीके से, स्पून ले लें 3 से 4 टाइम, तो बहुत काफ़ी एक ही दिन में जो है वो बहुत अफाका हो जाता है खांसी में। तो ये बहुत बेहतरीन आजमाया हुआ हमारा नुस्खा है। यहाँ जो है अब आ जाएंगे दूसरी रेमेडी की तरफ, तो वो है मनी प्लांट की पत्तों की जो क्लीनिंग होती है। तो आज हम करेंगे सरसों का तेल लेके और थोड़ा सा लाहौरी नमक डालेंगे और थोड़ा सा डालेंगे इसमें पानी। तो यहाँ जो है 1 टेबलस्पून के करीब ले लूँगी मैं ऑयल। तो ये भी जो है बहुत ज़्यादा हो गया था, आपने चंद कतरे ही जो है उसको शामिल करना होते हैं, क्योंकि सिर्फ जो है पत्तों पे शाइनिंग लाने के लिए ये अमल किया जाता है, क्योंकि सर्दियों के अंदर जो होता है पत्ते थोड़े से अकड़ जाते हैं और झड़ते भी हैं और येलो भी हो रहे होते हैं, तो जो पौधों की जो शो होती है थोड़ा सा इस वाले मौसम में, ये खुश्क होने की तरफ जा रहा होता है मौसम विंटर का, तो यहाँ जो है बहुत ड्राइनेस हो जाती है पौधों पे भी, जैसे हमारी स्किन हो जाती है तो पौधे भी जानदार होते हैं और ये भी जो है तवज्जो मांगते हैं। तो यहाँ पे देखें मेरी मनी प्लांट इतनी ग्रो कर रही थी, तो पता नहीं बस एक इशू आ गया कि कोने में से जो है एक माउस आ जाता है और वो सारे मेरे पत्ते जो है इसके मनी प्लांट के न्यू जो बेबी लीव्स आ रहे थे ऊपर, वो सब खा जाता है। तो मैं यही कह रही थी पता नहीं चिड़िया किस तरीके से अंदर आ जाती हैं जो ये खा जाती हैं, ग्रिल तो बंद होती है। तो बस फिर बाद में मेरा जहन गया कि यार ये तो कोने में से, मुझे लगता है कैबिनेट बनी हुई ऊपर, वहाँ से जो है मुझे लगता है कि ना मामू साहब आ रहे हैं ऊपर से और जो है ये पत्ते खा रहे हैं, खूब उनकी पार्टी हो रही थी। तो इतने सारे पत्ते वो खा गए और सारे न्यू पत्ते, इतना गुच्छा लग गया था ना पीछे भी ऊपर भी, न्यू पोपलें फूट गई थी वो सारी वो खा गए। तो मैंने क्या करा फिर उनके जो सिरे थे वो नीचे लटका दिए, तो वो जो है फिर जो ऊपर पत्ते थे ना वो फिनिश कर करके चला जाता है। तो सारे पत्ते मैं एंड में दिखाऊंगी आपको जिस तरीके से उसने ये पूरी मनी प्लांट में तबाही मचाई हुई थी मेरी। तो पता नहीं क्यों ये जो माउस होते हैं ये सब कुछ खा जाते हैं, साबुन तक खा जाते हैं, समझ में नहीं आता ये बस किस तरीके से इनका खात्मा किया जाए। तो बहरहाल इनसे तो बाद में निपटा जाएगा, पहले तो ये कि मैं इसको क्लीन कर लूँगी और फिर इसका भी हल निकालेंगे, माउस का भी कोई ना कोई हल निकल ही आएगा। दवाई वगैरह मिलती है टमाटर में लगा के जो रखते हैं इस तरीके से, इसको जो है मैंने सोचा है कि करके देखते हैं तो शायद ये आना छोड़ दे या मर जाए। तो बहरहाल यहाँ पे देखें आप सारी ये ऊपर से गंजा कर दिया था और इतना भर गया था ना ऊपर का एरिया, तो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी ये और मेरी नज़र लग गई शायद इसे, तो ये मामू ने आके काम बिगाड़ दिया। अच्छा मैं यहाँ पे माउस को जो है मामू भी इसलिए कह रही हूँ कि इनका नाम नहीं लेना चाहिए, ये और बढ़ जाते हैं, और इनको बुरा भी नहीं कहना चाहिए, ये एक टोटका है बड़े बूढ़ों का अजमूता, तो ये और तंग करते हैं, तो इनको जो है बुरा भी नहीं कहना चाहिए, बस अल्लाह ताला इन चीज़ों से बचा के रखे सबको। तो मेरे घर में बिल्कुल भी नहीं है ये चीज़ें, लेकिन क्या है कि ये इस कोने में इसलिए आता है कि यह मनी प्लांट को खाने के लिए आता है, तो बस वो मैं एरिया जो है फिल करवा दूँगी अपने हस्बैंड से या फिर दवाई वगैरह रख देंगे। और वीडियो को जो है अब यहीं एंड करते हैं, मिलेंगे अगली व्लॉग में। आपको व्लॉग कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। तो जब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा, दुआओं में भी याद रखिएगा एज़ यूजुअल। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।